हम इस शो में बात कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग की। जी हाँ, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट की सोच रहे हैं तो किस तरीके से आपको इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ा फैसला होता है। और रिटायरमेंट के बाद का खर्च आप किस तरीके से उठाएंगे ये भी निर्भर करता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है उसको सिक्योर करने के लिए। फिरोज अजीज लगातार हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अर्ली रिटायरमेंट की सोच लेते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानियां इसके लिए बरतनी चाहिए जहां आप निवेश करने की सोच रहे हैं? तो मैं आपको तीन चार डूज और दो तीन डोंट्स बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो एक कॉर्पस, एक रीजनेबल कॉर्पस ना हो तो रिटायरमेंट की नहीं सोचनी चाहिए। रीजनेबल कॉर्पस वो होगा जैसे कि आपकी मंथली सैलरी जो मंथली एक्सपेंसेस जो हैं उससे एटलीस्ट 200 गुना आपकी अगर कॉर्पस ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपए का आपका खर्च है तो एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए आपकी अगर रिटायरमेंट कॉर्पस ना हो तो रिटायरमेंट की वक्त अभी तक नहीं आया है। सो दैट्स पॉइंट वन, एक साइजेबल कॉर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। सेकेंड, कोई भी लोन्स हो आपके उसको चुकाना रिटायरमेंट के पहले, और जब तक कि वो ना नेग्लिजिबल लोन्स ना हो जाएं तब तक आपको काम करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन्स को पहले डिवॉल्व कीजिए फिर रिटायरमेंट की सोचिए। तीसरा पॉइंट ये है कि पार्ट टाइम काम आज बहुत पॉपुलर होता है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट हो गए, LIC के एजेंट हो गए, या फिर कोई भी कंपनी के लिए कंसल्टेंट हो गए, वो रहता है जिसमें आप 2-3 घंटे दिन के बिता के आप थोड़ी सी इनकम कमा लें, वो बहुत आइडियल सिचुएशन है। रिटायरमेंट का फ़ायदा भी हो गया और काम की थोड़ी कमाई भी हो जाती है। और लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है रिटायरमेंट के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल प्रिपेयर्डनेस रिटायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट जो फ्री टाइम मिलता है वो शायद आप यूज कर पाएं ना कर पाएं। इमोशनल रेडीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जी। तो बहुत शुक्रिया फिरोज। और एक दो डोंट्स जी जी बताइए बताइए। सो मच, आई थिंक मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है अपने पोर्टफोलियो को। सो डोंट लूज फोकस ऑन द रिटर्न, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्स भी रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होंगी शिल्पा। आई थिंक बहुत शुक्रिया फिरोज इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना जरूरी है कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपके पास आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना बहुत जरूरी है। और किस और जाते जाते ये गुरु मंत्र देख लेते हैं।